नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज इस ब्लॉग में हम आप लोगों को बताएंगे कि हमारे यहाँ मुगलापुर गांव पोस्ट बिसवा खुर्द थाना तंबौर जिला सीतापुर मुगलापुर गांव में रामजीवन जायसवाल जी के यहाँ दुर्गा जागरण होने जा रहा है नवरात्रि के शुभ अवसर पर। तो वृंदावन से कुछ लोग आएंगे और कुछ झांकियां दिखाएंगे और दुर्गा जागरण जो है भव्य दुर्गा जागरण होने जा रहा है रात्रि के 8 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो बहुत विशाल दुर्गा जागरण होने जा रहा है। तो एड्रेस हमने आप लोगों को बता दिया और आप लोग आना चाहें तो आ सकते हैं। और आज तारीख है 21 अक्टूबर 2023, दिन शनिवार। तो आज के दिन हमारे यहाँ दुर्गा जागरण होने जा रहा है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और हम आप लोगों को रात में पूरी वीडियो अपलोड कर कर दिखाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो हम लोग लगभग में 2 बजे हैं दोपहर के, तो अब यहां से जा रहे हैं वीडियो शूट करने। तो कुछ वीडियो दिन का शूट करेंगे और फिर बाकी पूरी रात वीडियो रात का शूट करेंगे। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। यहाँ नवरात्रि के शुभ अवसर पर हमारे यहाँ मुगलापुर गांव में दुर्गा जागरण होने जा रहा है तो बने रहिए हमारे वीडियो में एंड तक। और बहुत विशाल दुर्गा जागरण हमारे यहाँ होने जा रहा है। और वृंदावन से कुछ लोग आएंगे, कुछ कलाकार आएंगे जो अपनी झांकियाँ भी दिखाएंगे और बहुत अच्छा लगेगा। तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर और आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में और आप लोगों को हम पल पल की वीडियो हर घंटे आप लोगों को देते रहेंगे रात्रि के 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। और आज तारीख है 21 अक्टूबर 2023, आज के दिन हमारे यहाँ दुर्गा जागरण होने जा रहा है। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते स्टार्ट करते हैं आगे की वीडियो और आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह का सजा हुआ है नवरात्रि के शुभ अवसर पर पंडाल और किस तरह से दुर्गा जागरण होने जा रहा है। तो ये पंडाल लगा हुआ है और यहाँ पर प्रोग्राम होगा और दुर्गा जागरण रात के 8 बजे स्टार्ट किया जाएगा। तो अभी दोपहर के 3 बजे हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि पूरी व्यवस्था जो है वो हो रही है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और ये देखिए किस तरह से इसकी जो सजावट है वो की जा रही है। और साइड में ये कुर्सी धरी हुई है तो और भी कुर्सियां लगेंगी जिस पर बैठने को बैठने की व्यवस्था की जा रही है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है इस समय। और रात्रि में सोचिए जब प्रोग्राम होगा तो कितना अच्छा लगेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये पार्ट 2 मैं बना रहा हूँ, इसके बाद पार्ट 3 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही पार्ट 3 आप लोग देख सकें। और पार्ट 3 जो है वो हम शाम को लाएंगे रात्रि का। जय हिंद, जय माता दी। दोस्तों, हमने भाग 3 में दिखाया था आप लोगों को कि माता जी के जो मुख पर चुनरी धरी हुई थी वो अब हट गई तो माता जी के दर्शन कर सकते हैं। और ये मूर्ति जो है वो बहुत अच्छी लग रही है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग में हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, अब बारी आती है भीड़ दिखाने की कि यहाँ पर कितने लोग इकट्ठा हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ और कितनी अच्छी सजावट है और कितना यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं और कितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर ये दुर्गा जागरण जो है मुगलापुर में देख रहे हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बहुत प्यारी प्यारी झांकियां हो रही हैं लेकिन हमने आवाज़ इसलिए नहीं खोली कि कॉपीराइट आ सकता है।
तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, आवाज आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, तो वीडियो लास्ट तक देखें। आगे सम्मान हो रहा हूँ सभी भाई को, सभी लोग ताली बजाते रहे, ताली बजाते रहे तो जागते रहे। इंद्र प्रताप सिंह जी सिसौली से आए हैं, मंच पे आ जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से मूर्ति सजाई गई हैं, और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो हमने भाग दो में आप लोगों को बताया था कि रात्रि का वीडियो हम बनाकर ज़रूर डालेंगे। तो ये रात हो चुकी है, लगभग 7 बज चुके हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से सजावट की जा रही है। और ये जो चुनरी परी हुई है तो इसको हटाएंगे जब माता दुर्गा की आरती होगी, उसके बाद ही ये चुनरी हटाई जाएगी। तो बने रहिए हमारे वीडियो में एंड तक। और हमने कहा था कि रात की जो सजावट है, लाइटिंग, और कितना अच्छा लगेगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को पता चले। और ये जो है सजावट का काम जारी है, किस तरह से देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर सजावट का काम जारी है। तो ये है पंडाल, जो लाइटिंग से देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर एक कुर्सी उसी तरह से पड़ी हुई है। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आगे आप तक पहुंचती रहे। और आप देख रहे हैं भाग 3, और भाग 2 में हमने बताया था, और ये भाग 3 है। अब इसके आगे जब कार्यक्रम चालू होगा तो हम भाग 4 में आप लोगों को दिखाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भाग 4 आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और ये अपनी सामान जो है ला चुके हैं, और ये देख सकते हैं नवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित माँ भगवती का विसर्जन।